कन्हैयालाल नाम है, ग्राम किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरी उड़ा जागीर में ज़मीन है जिस पर वैभव अग्रवाल ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसके थाने में रिपोर्ट भी कर रखी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इनके ऊपर 307 का मुकदमा है। इनकी जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए। मुझे धमकियां मिल रही हैं और बराबर मेरा खेत है उसका मुझे खतरा है कि आप इसको यहाँ से फैसला कर लो, ज़बरदस्त दबाव डाल रहे हैं, नहीं तो जो हम इस पर भी कब्जा कर लेंगे जो तुम्हारा खेत रह गया है। तो इसके लिए जो है हमारा ये सरकार से निवेदन है कि जल्दी जल्दी जी इस भूमाफिया के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। और कौन लोग हैं जिनका जो धमकियां दे रहे हैं आपको? वो वैभव अग्रवाल, पिताजी का नाम विजय अग्रवाल, रामपुर गार्डन के निवासी हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना ज़मीन खरीदी थी, वो उनके नाम है, वो अपने ही नाम की ज़मीन लें, हमारे नाम की हमें छोड़ दें। कायदा ये है या तो उनकी मौके पर है उनकी ज़मीन, वही सरकार वही ज़मीन इनकी दिलवाए जो इन्होंने खरीदी है जिसमें नाम है। आप थाने गए, आप थाने गए तो क्या कहा SHO साहब ने? SHO साहब ने ये कहा कि वो आप जो है आपका जो मुकदमा चल गया है तो थाने गए तो हमारी तो रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है 307 की, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। तो हमारा ये देव सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमें बहुत खतरा है, हम पलायन की स्थिति में आ गए हैं यहाँ से, हमें धमकियाँ मिलती हैं। थाना कौन सा लगता है? बिक्री चैनपुर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई तभी मानी जाएगी जब कोई गिरफ्तारी होगी। ये मतलब जो लोग धमका रहे हैं कौन कौन लोग हैं? अब ये वैभव अग्रवाल हैं और उनके जो यहाँ पे उनके कर्मचारी लोग काम करते हैं, खेत उत पर जाते हैं तब तो लोग अपने काम कहाँ करते हैं? ये अपने उसी में जो प्लाट 243 नंबर जिसमें हमारा हिस्सा है उसी में कब्जा करे हुए हैं और हमारा सटा हुआ एकदम एक मिनट पर हमारा खेत, हमारा आना जाना है, हमें साफ खतरा है अपनी जान माल का। हम अपना बताओ ये खेत को अगर नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, खेती नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?